अस्सलाम वालेकुम। हे और उसका ऐसे उम्मीद करता हूँ कि आप सब दोस्त खैरियत होंगे। दोस्तों आज की वीडियो आप दोस्तों के लिए बहुत बेस्ट है, बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली, इसलिए आप दोस्तों ने इसको स्किप नहीं करना है, इसको आपने एंड तक वॉच करना है। क्योंकि दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताऊँगा कि आप एक शहर से दूसरे शहर का डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, आप एक शहर से दूसरे शहर का फासला कैसे मालूम कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप एक शहर से दूसरे शहर जाना चाहते हैं और आप मालूम करना चाहते हैं कि एक शहर से दूसरे शहर का डिस्टेंस कितना है, वो कितने मीलों का है, कितने घंटों का है, कितने मिनटों का है, और आप बाई रोड उसको कैसे तय कर सकते हैं, तो ये सारा तरीके इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। इसलिए दोस्तों अपने वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना, वीडियो को अपने एंड तक वॉच करना है। फॉर एग्जांपल अगर आप इस्लामाबाद से लाहौर जाना चाहते हैं, लाहौर से कराची जाना चाहते हैं, और आप डिस्टेंस मालूम करना चाहते हैं कि बाई रोड बाई मोटरवे वो डिस्टेंस कितना है, कितने घंटों का है, कितने मिनटों का है, और वो कितने मीलों का है, तो ये बिल्कुल फ्री में आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ट्रेवल से पहले यह सब कुछ आपको पता चल जाएगा कि यह डिस्टेंस कितने घंटों का है, कितने मिनटों का है और कितने मिलों का है, तो ये बिल्कुल फ्री में आप मालूम कर सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों अपनी वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, वीडियो को अपने एंड तक वॉच करना है ताकि आप भी एक शहर से दूसरे शहर का फासला बिल्कुल फ्री में मालूम कर सके। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप दोस्तों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर नहीं हुए तो प्लीज़ चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए और साथ में घंटी का निशान प्रेस करके आल वाले ऑप्शन को इनेबल कर दीजिए। इसका फायदा यह होगा कि जब भी नई वीडियो अपलोड करूंगा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहेगी। सो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वेलकम बैक दोस्तों, अभी हम मोबाइल की स्क्रीन पर आ चुके हैं और अभी जो पहला काम आपने करना है, सबसे पहले आपने प्ले स्टोर को ओपन करना है। तो अभी मैं आपके सामने प्ले स्टोर को ओपन कर लेता हूं। तो यहां पर दोस्तों आपने सर्च करना है डिस्टेंस कैलकुलेटर फॉर पाकिस्तान। तो जैसे दोस्तों आप इस ऐप को सर्च कर लोगे तो जो टॉप पर आपको ऐप नज़र आएगी, इसको जो है ना आपने इंस्टॉल कर लेना है। तो इसको जो है ना आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका डाउनलोड करना बहुत ईजी है, यहाँ पर आप इसका डाउनलोड देख सकते हैं और इसके रेटिंग भी आप देख सकते हैं, इसके रिव्यू आप देख सकते हैं, बहुत बेस्ट एप्लीकेशन है। तो जैसे दोस्तों आप इसको डाउनलोड कर लोगे तो उसके बाद जो है ना आपने ओपन कर लेना है। मैं चूंकि ऑलरेडी इसको डाउनलोड कर चुका हूं तो अभी मैं आपके सामने ओपन कर लेता हूं। तो जैसे दोस्तों आप इसको ओपन कर लोगे तो इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर डिफरेंट सिटीज़ के नाम आपको दिए गए हैं, तो आपने कैसे डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पर नीचे भी आप देख सकते हैं काफ़ी जितनी भी फेमस सिटीज़ है पाकिस्तान के, उनके नाम आपको यहाँ दिए गए हैं और वो डिस्टेंस आपने कैसे कैलकुलेट करना है, सारा तरीके इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर दो ऑप्शन आपको दिए गए हैं, फ्रॉम टू, यानी एक सिटी से अगर आप दूसरे सिटी का डिस्टेंस मालूम करना चाहते हैं पाकिस्तान में तो वो आप कैसे मालूम कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं एबटाबाद टू एबटाबाद। तो यहाँ पर अगर मैं डिस्टेंस मालूम करना चाहूँ बन्नू, फ्रॉम बन्नू टू एबटाबाद, तो ये डिस्टेंस आपने कैसे कैलकुलेट करना है, तो अभी मैं ये डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो आपने सिंपली कैलकुलेट के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे दोस्तों आप कैलकुलेट के ऊपर क्लिक करते हो तो ये डिस्टेंस आपके सामने शो हो जाएगी। तो ये दोस्तों बिल्कुल आप देख सकते हैं, एक्सपेक्टेड ड्राइविंग टाइम 7 hours 1 minutes। तो बन्नू से एबटाबाद का जो डिस्टेंस है वो तकरीबन 238 मील और 383 किलोमीटर है, यानी 238 मील जो है तकरीबन 383 किलोमीटर के लगभग ये डिस्टेंस बनता है। तो आप बिल्कुल देख सकते हैं और ये जो डिस्टेंस है ये तकरीबन 7 घंटों में और 1 मिनट में ये फासला आप तय कर सकते हैं। तो ये बहुत बेस्ट एप्लीकेशन, अगर आपने पाकिस्तान में किसी भी सिटी का डिस्टेंस कैलकुलेट करना हो, अगर आप किसी जगह ट्रैवल करना चाहते हैं और आप ट्रैवल करने से पहले डिस्टेंस कैलकुलेट करना चाहते हैं, अगर आप इस्लामाबाद से कराची जाना चाहते हैं या कराची से लाहौर जाना चाहते हैं या लाहौर से फैसलाबाद जाना चाहते हैं और आप डिस्टेंस कैलकुलेट करना चाहते हैं कि लाहौर से कराची का डिस्टेंस कितना है या फैसलाबाद से इस्लामाबाद का डिस्टेंस कितना है, तो आप इजीली जो है ना मालूम कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं फ्राम फैसलाबाद टू एबटाबाद ये डिस्टेंस मैं कैलकुलेट करना चाहता हूँ, तो सिंपली दोस्तों अपने कैलकुलेट के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे दोस्तों आप कैलकुलेट के ऊपर क्लिक करते हो तो ये डिस्टेंस आपके सामने शो हो रहा है 257 मील्स, यानी ये बनता है तकरीबन 414 किलोमीटर, और ये जो डिस्टेंस है ये आप कितने घंटों में तय कर सकते हो, अगर आप बाई रोड या बाई मोटरवे जा रहे हो 7 घंटों में 35 मिनट्स में ये फासला आप तय कर सकते हैं फ्राम फैसलाबाद टू एबटाबाद। तो इस तरह आप किसी भी सिटी का डिस्टेंस आप मालूम कर सकते हैं पाकिस्तान में। तो यहाँ पर ये जो आइकन नज़र आ रहा है इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और यहाँ से अपने सिटी को चूज़ करना है फ्राम,
और इसके बाद आपने जिस सिटी में जाना है तो वो आपने नीचे से सेलेक्ट करना है। तो उसके बाद जब आप यहाँ से सेलेक्ट कर लोगे तो उसके बाद आपने कैलकुलेट के ऊपर क्लिक करना है, तो वो डिस्टेंस आप इजीली मालूम कर सकते हैं। तो इसके अलावा ये तो हो गया कि आप एक सिटी से दूसरे सिटी के दरमियान में जो डिस्टेंस है, जो फासला है, अगर आपने ट्रेवल करना है वो आप कैसे मालूम कर सकते हैं, वो तरीका आपको बता दिया। इसके अलावा इस एप्लीकेशन में आपको और भी काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी, दीगर दिलचस्प और मुफीद मौजूदात पर जो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर दी गई है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर जो पहले नंबर पर आपको ऑप्शन मिलता है आपके नाम कितनी सिम है, अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हो तो यहाँ पर बिल्कुल आप देख सकते हो। यहाँ पर आप ये भी चेक कर सकते हो कि आपके नाम पर कितनी सिम है। आपने सिंपली काम क्या करना है, ये जो आपको नीचे ऑप्शन दिया गया है CNIC नंबर, इसके जो है ना इसमें आपने अपनी CNIC अपने शनाख्ती कार्ड का नंबर इंटर करना है। उसके बाद फाइंड सिम इन्फॉर्मेशन के ऊपर आपने क्लिक करना है तो आपके नाम पर जितनी भी सिमें होंगी वो आपके सामने शो हो जाएंगी। तो इस तरह बिल्कुल फ्री में चेक कर सकते हो कि आपके नाम पर कितनी सिम है। तो इसके अलावा अगर आप नीचे देख लें तो यहाँ पर आप बिल्कुल देख सकते हैं इंग्लिश से उर्दू तर्जमा, वो भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। अगर आपको इंग्लिश से उर्दू में तर्जमा नहीं कर सकते तो यहाँ पर बिल्कुल फ्री में आपको तरीका दिया गया है, बिल्कुल आप इसके अंदर चेक कर सकते हैं इंग्लिश से उर्दू में तर्जमा कैसे करना है, इंग्लिश से को उर्दू में ट्रांसलेट कैसे करना है, वो भी आप इजीली यहाँ पर चेक कर सकते हैं। इसके अलावा तीसरे नंबर पर आप देख सकते हैं दुनिया के किसी भी मुल्क जाने का खर्चा मालूम करें। अगर आप पाकिस्तान से दुबई जाना चाहते हैं या पाकिस्तान से किसी भी दूसरे कंट्री में जाना चाहते हैं, अमेरिका जाना चाहते हैं या किसी और कंट्री में जाना चाहते हैं, अगर आप वो डिस्टेंस कैलकुलेट करना चाहते हैं कि पाकिस्तान से दुबई, सऊदीया या किसी भी दूसरे कंट्री का फासला कितना है, तो आप इजीली इस ऑप्शन के दरमियान में आपने वो देना है कि पाकिस्तान से वो फॉर एग्ज़ाम्पल दुबई का ख़र्चा कितना है वो आप मालूम कर सकते हैं कि डिस्टेंस कितना है वो भी आपको पता चल जाएगा और ख़र्चा कितना है वो भी आप यहां से इजीली मालूम कर सकते हैं। इसके अलावा यहां पर चौथे नंबर पर जो ऑप्शन आपको मिलता है किसी भी मोबाइल नंबर का पता मालूम करें, तो यहाँ पर आप किसी मोबाइल नंबर का ईज़िली पता मालूम कर सकते हैं कि यह नंबर किस जगह से आपको जो है ना कॉल कर रहा है, तो किसी भी नंबर को आप यहाँ से ईज़िली ट्रेस सकते हैं। पांचवें नंबर पर शहर से शहर का फासला मालूम करें, ये भी इसके अंदर आपको पहले बताया हुआ है कि कैसे मालूम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी भी शनाख्ती कार्ड नंबर की मालूमात लेना चाहते हैं तो वो इसके अंदर जो है ना आप ले सकते हैं। अगर आप अपनी उम्र सालों महीनों दिनों में मालूम करना चाहते हैं तो आप इजीली मालूम कर सकते हैं। तो बिल्कुल जो है ना आप यहाँ पर फेसबुक दोस्त का पता कर सकते हैं कि फेसबुक की आईडी अगर आपको याद तो वो जो है ना यहाँ से आप पता कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया के लिए वीज़ा जो है ना वो भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। एक मकान बनाने पर कितनी लागत आती है वो भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि अगर आपने एक मकान बनानी है तो उस पर कितना खर्चा आएगा, कितने साइज़ का मकान आपने बनाना है, तो वो सारा कुछ यहाँ पर आपको जो है ना पता चल जाएगा कि वो कितने साइज़ का आपने बनाना है, उसकी लंबाई कितनी होगी, उसकी चौड़ाई कितनी होगी, तो ये बिल्कुल फ्री में आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। इसके अलावा अपने मोबाइल की कीमत मालूम करें, अगर आप अपने मोबाइल की प्राइस मालूम करना चाहते हैं, आपके पास कोई मोबाइल है तो वो यहाँ से आप इजीली मालूम कर सकते हैं। इसके अलावा एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम के तहत कनाडा जाएं तो ये भी आप यहां से चेक कर सकते हैं। अगर आप एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम के तहत कनाडा जाना चाहते हैं तो वो भी आप यहां से पता कर सकते हैं कि कैसे आपने जाना है। ऑनलाइन मुफ्त पढ़ने के लिए क्लिक करें, अगर आप ऑनलाइन मुफ्त पढ़ना चाहते हैं किसी भी इदारे से, किसी भी एकेडमी से आप मुफ्त में पढ़ना चाहते हैं, ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं, तो वो बिल्कुल फ्री में आप यहां पर पता कर सकते हैं कि आपको चार्जेस कितने देने पड़ेंगे या आपको नहीं देने पड़ेंगे। तो ऑनलाइन अगर आपने पढ़ना है तो वो यहां पर आप चेक कर सकते हैं, तो इसके ऊपर अपने क्लिक करना है। अंग्रेज़ी से इस्लामी तारीख निकालें, अगर आप अंग्रेज़ी से इस्लामी तारीख निकालना चाहते हैं तो वो ईज़िली आप निकाल सकते हैं। उर्दू जो है ना अगर आप वेबसाइट पाकिस्तान की जो उर्दू वेबसाइट है अगर आप उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो यहाँ से आप इजीली ले सकते हैं। अगर आप प्लाट का साइज़ निकालना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि इस प्लाट का साइज़ कितना है और इसकी लंबाई कितनी, इसकी चौड़ाई कितनी है, तो ये सब कुछ आप यहाँ से पता कर सकते हैं। बाथरूम की टाइटल की पैमाइश, अगर आप कोई बाथरूम बनाना चाहते हैं उसके टाइटल की पैमाइश कितनी, लंबाई कितनी, चौड़ाई कितनी है, तो वो भी आप यहाँ से इजीली चेक कर सकते हैं। इसके अलावा नीचे डिस्टेंस बिटवीन सिटीज़ इन पाकिस्तान
पाकिस्तान, पाकिस्तान में जितनी भी सिटीज़ हैं उनके नाम भी यहाँ पर आपको दिए गए हैं जो कि फेमस है। यहाँ पर बिल्कुल आप देख सकते हो कराची टू हैदराबाद डिस्टेंस, लाहौर टू इस्लामाबाद डिस्टेंस, लाहौर टू कराची डिस्टेंस, लाहौर टू मुल्तान डिस्टेंस। तो यहाँ से आप इजीली मालूम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ डिस्टेंस फ्राम इस्लामाबाद टू कराची, तो यहाँ पर बिल्कुल आप देख सकते हो 977 मील यानी 1572 किलोमीटर ये फासला बनता है, और ये आप तकरीबन 28 घंटों और 49 मिनट्स में ये फासला आप तय कर सकते हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल जो है ना आपको ये इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल सकती है। तो ये बहुत बेस्ट एप्लीकेशन, आप ट्राई कर सकते हो, इससे आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।